हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एग्जाम मेकर पर। तो दोस्तों, यहां पर 10th पास वालों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आ चुकी है। जी हां दोस्तों, 10th पास वालों के लिए 700 प्लस वैकेंसीज निकल कर आ चुकी हैं, जो कि गवर्नमेंट जॉब है। तो दोस्तों, इसमें एज लिमिट क्या चाहिए, सैलरी क्या रहेगी, और दोस्तों इसके आवेदन कब से स्टार्ट होंगे, दोस्तों ये सभी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। और उससे पहले, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, जिससे कि गवर्नमेंट जॉब की तरफ से कोई भी नई अपडेट हो या कोई भी नई नोटिफिकेशन आए तो सबसे पहले आप लोगों को इन्फॉर्म किया जा सके। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इसमें एज लिमिट क्या रहेगी, और दोस्तों सैलरी क्या मिलेगी, और इसके आवेदन कब से स्टार्ट होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये जो भर्ती है ये विश्वा भर्ती की तरफ से निकाली गई है। और दोस्तों, यहाँ पर इनके आप पोस्ट नेम भी देख सकते हो, जैसे कि LDC, जूनियर ऑफिसर, मल्टीटास्किंग स्टाफ, MTS, UDC यानी कि ऑफिस असिस्टेंट, सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट और प्रोफेशनल असिस्टेंट। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग एक एक करके सभी पोस्ट वाइज वैकेंसी देख सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी सारी पोस्ट पर वैकेंसीज निकाली गई हैं, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, असिस्टेंट रजिस्ट्रार। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो काफ़ी सारे पोस्ट पर काफ़ी सारी भर्तियाँ निकाली गई हैं। और दोस्तों, यहाँ पर जो टोटल वैकेंसी है ये 709 टोटल वैकेंसी हैं, और दोस्तों इसको आवेदन आपको ऑनलाइन माध्यम से करना होगा। और दोस्तों, यहाँ पर ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों देखते हैं आपकी यहाँ पर सैलरी। तो दोस्तों, यहाँ पर आपकी सैलरी 37,700 से 67,000 तक आपकी यहाँ पर सैलरी रहेगी। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं आपकी एज लिमिट की। तो दोस्तों, जिनकी एज 18 साल से 57 साल के बीच में है, तो दोस्तों ये वो लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपकी एज 18 प्लस है तो दोस्तों आप लोग इसमें अप्लाई जरूर कर सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पर अब बात करते हैं आपके सिलेक्शन प्रोसेस की। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका केवल और केवल रिटन एग्जाम ही होगा। और दोस्तों, यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, तो दोस्तों इसमें आप 10th पास, 12th पास और ग्रेजुएट ITI पास भी होने चाहिए। दोस्तों, अगर यहाँ पर आप 10th पास हो तो यहाँ पर दोस्तों 10th पास वालों के लिए भी भर्ती है, और अगर 12th पास हो तो यहाँ पर 12th पास वालों के लिए भी भर्ती है। और अगर ग्रेजुएशन आपने किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल कर रखी है तो दोस्तों यहाँ पर वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ जिनके पास ITI का डिप्लोमा है दोस्तों, वो भी लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसके आवेदन कब से स्टार्ट होंगे। 17 अप्रैल 2023 से, यानी कि ऑलरेडी इसके आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। और दोस्तों, इसकी जो लास्ट डेट है ये 16 मई इसकी लास्ट डेट है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है, अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो तो दोस्तों इसमें आप लोग अप्लाई जरूर करिएगा। और दोस्तों, यहीं पर आप लोग अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक हियर पर क्लिक करके आप इसका आवेदन कर सकते हो। और दोस्तों, इसका डाउनलोड ऑफिशियल नोटिफिकेशन, दोस्तों यहां पर आप लोग क्लिक हियर पर क्लिक करोगे तो दोस्तों आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी देख पाओगे। और दोस्तों, आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना, जिससे कि गवर्नमेंट जॉब की तरफ से कोई भी नई नोटिफिकेशन हो तो सबसे पहले आप लोगों को इन्फॉर्म किया जा सके।